Okay, so we are starting. If y'all can hear my voice, just write a yes. Okay, so let's start. Last class हमने okay, so last class हम लोग कर रहे थे इनडिफरेंस कर्व एंड वी सॉ दैट लास्ट टॉपिक हम लोग का था इनडिफरेंस मैप, जहाँ पे हमने वी मेड अ लॉट ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स एक ही ग्राफ में एंड द हायर इनडिफरेंस कर्व गेव अस हायर यूटिलिटी. ठीक है, व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व? इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम यूटिलिटी टू अस. मतलब उस लाइन पे ऑल द पॉइंट्स विल गिव अस द सेम यूटिलिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे. आज हम लोग को काफ़ी सारा ग्राफ्स देखना है. देर आर अ लॉट ऑफ ग्राफ्स इन सी बी टू इन दिस चैप्टर. सी बी टू में काफ़ी ग्राफ्स आएंगे, आगे भी मैक्रो में भी यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्राफ. सो इन क्लास व्हेन आई एम मेकिंग द ग्राफ, व्हाट यू ऑल कैन डू इज आइदर यू कैन मेक मेक दैट अलोंग विथ मी, और क्या कर सकते हो क्लास के बाद व्हेन यू गो थ्रू द कंपाइलर. कंपाइलर में सब सब कुछ है, सारा ग्राफ बनाया हुआ है. यू ऑल डोंट हैव टू मेक द ग्राफ विथ मी अगर वैसा कुछ है कि खाली देखना है, स्क्रीन पे कंसंट्रेट करना है. व्हाट यू कैन डू इज कंपाइलर खोल के रखो अपने पास एंड वो जिस पेज पे मैं पढ़ा रही हूँ यू विल अंडरस्टैंड कि वो पेज पे हूँ मैं. चैप्टर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फाइव एंड चैप्टर फाइव का टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बजट लाइन. ठीक है, इनडिफरेंस मैप के बाद वाला. सो बैकग्राउंड टू डिमांड जस्ट पेजेस फ्लिप करके देखो, मिल जाएगा ये टॉपिक. एंड देन व्हाट यू ऑल कैन डू इज जस्ट मेरे साथ साथ करो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट. इफ आई से यू कैन राइट डाउन उसी कंपाइलर में वहीं पे. यू डोंट हैव टू मेक इट नाउ बट यू हैव टू मेक इट लेटर ऑन, क्योंकि अगर एक बार भी ग्राफ खुद से नहीं बनाओगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा. एक बार मिनिमम दो बार तो बनाना ही चाहिए खुद से सारा ग्राफ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वील डू इज अ बजट लाइन. सो सबसे मेन चीज़, दो चीज़ होते हैं जो जिनके विच आर इम्पॉर्टेंट वेन वी मेक अ डिसीजन. क्या होता है? सबसे पहला इज इनकम. सबसे पहला इज इनकम, आपके पास कितना इनकम है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. क्योंकि गिव मी वन सेकेंड. ओके, सो टू थिंग्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज इम्पॉर्टेंट इज इनकम एंड द प्राइज ऑफ द गुड्स. ये दोनों के वजह से यू डिटरमाइन कि आपको कितना ऑफ अ पर्टिकुलर गुड खरीदना है. करेक्ट, तो हम लोग इसके लिए बनाते हैं बजट लाइन, द लाइन ऑन विच यू कैन हैव वेराइटी ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच यू कैन परचेज गिवन द लेवल ऑफ इनकम एंड गिवन द प्राइज ऑफ द गुड्स. बोथ रिमेन द कॉन्स्टेंट. एंड वॉट आर द डिफरेंट गुड्स वी आर डीलिंग विद? एक्स एंड वाई सपोज. तो ये एंड हमारा इनकम जो हम लोग जनरली वाई से डिनोट करते हैं, ये सब कुछ कॉन्स्टेंट रहता है इस पर्टिकुलर लाइन पे, हमारे बजट लाइन पे. तो सपोज यहाँ पे मैं मेक बना रही हूँ यूनिट्स ऑफ गुड एक्स. यू हैव टू राइट यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, दिस इज यूनिट्स ऑफ गुड वाई. एंड वॉट इज योर बजट लाइन? सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखना मैं कंपाइलर वाला ही एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज हमारा बजट इज रुपीज 30. इसका मतलब है कि 30 मेरा इनकम बोल दो या बजट बोल दो एक्सपेंडिचर का. एंड यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड यूनिट्स ऑफ गुड वाई आप कितना कितना खरीद सकते हो. ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विच यू कैन परचेज? क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला अगर आप जीरो एंड इसका प्राइस ले लेते हैं, पी एक्स का प्राइस ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज 2 रुपीज़, एंड वाई का ले लेते हैं 1 रुपी. सो इफ़ यू आर परचेजिंग जीरो ऑफ एक्स, 30 पूरा वाई में इन्वेस्ट करेंगे, कितना यूनिट्स ले सकते हैं? 30 यूनिट्स ले सकते हैं. एक रुपीज़ का है, मैंने लिख दिया इधर रुपी वन एंड रुपीज़ टू. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बता रही हूँ 5, 10 एंड जस्ट वन सेकेंड 10 एंड 15. ठीक है, तो कितना कितना यूनिट्स कॉरस्पॉन्डिंगली खरीद पाएंगे हम लोग यहाँ पे? 20, 10 एंड 0,
ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स हम लोग खरीद पाएंगे। देख लो कैसे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 15 क्यों है, बिकॉज 15 इंटू 2 इज 30, दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन परचेज। तो सिमिलरली अगर हम लोग उसको बनाने का कोशिश करें तो कैसे बनेगा, 0 एंड 30, तो यहाँ पे कुछ आया दिस इज़ योर 30, एंड 0 एंड 15 तो यहाँ पे कुछ आया विच इज़ योर 15, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। दिस विल बी आर बजट लाइन, दिस विल बी आर बजट लाइन, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन बन गया। बजट लाइन के इधर ये वाला पॉइंट्स, कैन वी परचेज दीज पॉइंट्स, नो, दीज आर, दिस इज़ द इनफीजिबल रीजन, दिस इज़ द इनफीजिबल रीजन, मतलब कि हमारे पास बजट नहीं उतना टू परचेज दैट पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर है। ये हमारा क्या बना है, बजट लाइन बना है, दिस इज आर बजट लाइन, ठीक है। इसके अंदर इफ़ यू परचेज, इसका क्या मतलब है कि 30 रुपीज़ से कम यूटिलाइज कर रहे हो, 30 रुपीज़ से कम यूटिलाइज कर रहे हो तभी इसके अंदर हो। सपोज आई से ले लेते हैं 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई, तो कितना हो गया, 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, कितना हुआ बताओ, 10 प्लस 10, 20 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, खाली 10 रुपीज़ बच रहे हैं, सो वी आर इनसाइड द बजट लाइन। हम लोग हमेशा क्या ट्राई करेंगे, बजट लाइन के ऊपर रहने का, जितना भी बजट है पूरा हम लोग स्पेंड करेंगे ऑन बोथ गुड्स एक्स एंड वाई, क्लियर है, दिस इज़ बजट। अब वॉट आर द डिफरेंट चेंजेस विच कैन अफेक्ट योर बजट लाइन, इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज तो क्या होगा बताओ, इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज, मैसेज चैट बॉक्स में लिख के बताओ वॉट कैन हैपन, इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज तब बताओ क्या होगा, बजट लाइन पे क्या अफेक्ट होगा उसका, ठीक है, बजट इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज, बजट लाइन पे क्या असर होगा उसका, द बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड्स, विल shift outwards like this if your budget increases, rightward shift, and this shift will be a parallel shift, क्यों, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि खाली income या फिर आपका budget बढ़ रहा है, your px and py which is the price of x and price of y these remain constant, तो आपका एक parallel shift होगा, budget line will shift upwards, suppose 40 rupees हो गया तो आप both दोनों का ज़्यादा खरीद पाओगे, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आप कितना खरीद पाओगे, 40, ठीक है, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे आप कितना खरीद पाओगे बताओ, यहाँ पे आप कितना खरीद पाओगे, 30 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ऐसे करके योर बजट लाइन विल शिफ्ट अपवर्ड्स, इफ़ योर इनकम डिक्रीजेज और बजट डिक्रीजेज योर बजट लाइन विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। हमेशा याद रखना व्हेन वी टॉक अबाउट बजट लाइन, इनकम अगर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली योर बजट विल इंक्रीज, यानी कि योर देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, अगर डिक्रीज है इनकम सो इट विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एंड कीपिंग इन माइंड दैट पी एक्स एंड पी वाई आर कॉन्स्टेंट, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ इफ़ आई से दैट पी वाई और पी एक्स दोनों में से कुछ भी एक चेंज हो रहा है, सो इफ़ आई से दैट पी एक्स चेंज हो रहा है, पी एक्स पहले था 2, अब पी एक्स हो गया है, ले लेते हैं 1, ठीक है, पी एक्स को हम लोग ले लेते हैं, हो गया है 1, पी वाई स्टिल 1, ठीक है, पी वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, खाली क्या चेंज हो रहा है, पी एक्स, एंड वो क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज होके 1 हो जा रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन योर बजट लाइन, पहले अगर हम लोग 0 यूनिट्स ऑफ ये खरीद पा रहे थे तो 0 के साथ दिस विल ऑब्वियसली बी 30 ओनली, ठीक है, एंड दिस इफ़ यू मेक दिस 5 तो अब कितना खरीद पाओगे, अब कितना खरीद पाओगे बताओ, 25 खरीद पाओगे, 25 खरीद पाओगे, सिमिलरली इफ़ यू हैव 10, इफ़ यू हैव 15 तो यहाँ पे हम लोग कितना खरीद पाएंगे, 20 एंड 15, ठीक है, यहाँ पे 0 कब आएगा, यहाँ पे जब आप 30 यूनिट्स खरीद पाओगे, देख लो सही है कि नहीं, क्योंकि अब सबका एडिशन क्या आना चाहिए, 30, बिकॉज बोथ क्या होना चाहिए, पी एक्स, ये बजट लाइन का इक्वेशन कैसा बनता है, x यूनिट्स ऑफ, अगर मैं स्मॉल में लिखूँ, x यूनिट्स ऑफ गुड x
multiplied by the price plus y units of good y multiplied by the price is equal to your budget. इज इक्वल टू योर बजट. बजट को जनरली आप लोग देखोगे बहुत जगह पे एम भी लिखा हुआ रहता है. ठीक है, दिस इज योर बजट इक्वेजन. लिख लेना इस इक्वेजन को, अगर कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, आई गेस नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख लो. एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू योर बजट. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो योर कर्व इज टिल्टिंग, या ये वाला आपका पॉइंट सेम है, ये वाला आपका पॉइंट सेम है. ये जो पॉइंट है दिस इज चेंजिंग एंड मेनी अदर पॉइंट्स आर चेंजिंग साथ ही साथ. ठीक है, तो सब पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी, बट दिस विल टिल्ट लाइक दिस. यहाँ पे दिस इज योर 30, देख लो, दिस इज योर 30. क्लियर है? तो बजट लाइन, इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं, इट पिविट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस पे रोल हो गया ना, और एक्स एक्सिस पे इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज देयर वाज अ फॉल इन पीएक्स फ्रॉम ₹2 to ₹1. क्लियर है पूरा चीज? शिफ्ट इन द बजट लाइन कैसे हो सकता है? दोनों तरीका मैंने बताया. दिस वॉज योर बजट लाइन 1, दिस इज योर बजट लाइन 2. इनकम इंक्रीज होगा पैरेलल शिफ्ट. इफ योर प्राइस इज चेंजिंग देन इट विल बी अ कैसा चेंज? पिविट होगा. अगर पी एक्स इंक्रीज हो रहा है तो पिविट हो जाएगा. पी वाई होता तो कैसे करते? कुछ ऐसा बनता. अगर पी वाई होता, मैं ब्लू से बनाती हूँ, कुछ ऐसा लाइन बनता ऊपर की तरफ शिफ्ट. या फिर अगर पी वाई, मेरा क्वेश्चन इज पी वाई इज इंक्रीजिंग, तो ऐसा होता. क्लियर हो रहा है? नीचे की तरफ, बिकॉज देन 0 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कैन परचेज. सपोज नाउ पी वाई इज ₹2, तो 0 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड नाउ यू कैन परचेज ओनली 15 यूनिट्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे 15 आएगा. क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट करें. ठीक है, चेंज इन प्राइस का असर. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ योर बजट लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ योर बजट लाइन? द स्लोप ऑफ योर बजट लाइन इज नथिंग बट px by py. देख लो, this is the slope of your budget line. ये इसका equation है budget line का. मैंने क्या equation बनाया? x into px plus y units of y py equal to m. तो slope क्या होगा? px by py देख लो. क्लियर है? एक्चुअली क्या होना चाहिए था? नेगेटिव साइन, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है. बट जनरली वी इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, तो इसको हटा दो. पी एक्स बाई पी वाई. इनकम चेंज होगा राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? इफ योर प्राइस इज चेंजिंग, एक प्राइस चेंज हो रहा है खाली पी एक्स, तो अगर पी एक्स भर रहा है तो इट विल पिवट लेफ्टवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ओरिजिन. ठीक है, इस वे में होता. या फिर इफ इट इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज डिक्रीजिंग, सॉरी, इफ पी एक्स इज डिक्रीजिंग तो आपका इस तरफ शिफ्ट होगा. मोर ऑफ एक्स कैन बी परचेज्ड नाउ एट द गिवन बजट एंड पी वाई रिमेन्स द सेम. सेम हैपन्स फॉर पी वाई. ठीक है, जनरली पीपल गेट कन्फ्यूज, इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं जब पी एक्स पी वाई चेंज होते हैं तो कैसे हम लोग ग्राफ चेंज होगा. तो एकदम कन्फ्यूज मत होना. अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स कंसिडर करना हमेशा, ये वाला और ये वाला. जहाँ पे एक यूनिट ज़ीरो है तो दूसरा यूनिट कितना परचेज कर पाओगे? एक यूनिट ज़ीरो है तो दूसरा कितना परचेज कर पाओगे? ठीक है. नाउ
हमें पता चल गया स्लोप ऑफ योर बजट लाइन. वी हैव ऑल्सो सीन इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस का स्लोप क्या था अगर हम लोग को याद है तो, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था? एम आर एस किए थे याद है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विच वॉज नथिंग बट द स्लोप. एंड स्लोप हम लोग कैसे मेजर किए थे? पी यू एम यू एक्स बाय एम यू वाई, याद है ये चीज़? तो इंडिफरेंस कर्व में क्या पता चलता है? योर यूटिलिटी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी. एंड बजट लाइन से क्या पता चलता है? कि हमारे पास जितना इनकम है, जितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना परचेज कर सकते हो. तो दोनों को अब हम लोग मिलाएंगे, योर यूटिलिटी एंड योर बजट, एंड देन वील गेट द ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ गुड्स. वील गेट द ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ गुड्स. कितना ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ गुड्स हम लोग कर सकते हैं? क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आई एम मेकिंग द बजट लाइन. बी वन ले लेते हैं इसको, ठीक है? दिस इज द बजट लाइन. दिस इज ऑब्वियसली एक्स, दिस इज ऑब्वियसली वाई. एक्स और वाई जब भी लिखते हो हमेशा याद रखना यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लिखना है, ठीक है? यूनिट्स ऑफ गुड एक्स में पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट कंपाइलर में देखो पूरा लिखा हुआ है. एंड यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज आई हैव अ नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, अ नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व आई हैव, ठीक है? दिस इज योर आई वन, दिस इज योर आई टू, आई थ्री एंड आई फोर. आप आई सी वन, आई सी टू, आई सी थ्री भी लिख सकते हो, या आई वन, आई टू, आई फोर भी लिख सकते हो. डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स है. आई फोर का यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, आई वन का यूटिलिटी सबसे कम है. इस पूरे कर्व में ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव्स अस द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी. मतलब आई फोर में कोई भी पॉइंट है, इट विल गिव अस द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी. क्लियर है? तो अब हम लोग कैसे डिसाइड करें व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉइंट? यहाँ देखो हम लोग को ये चीज़ पता है कि हम लोग बी वन के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है? दिस इज द मैक्सिमम विच वी कैन परचेज. वी कैन नॉट गो अबव बी वन बिकॉज दैट इज आर मैक्सिमम बजट. उसके नीचे जा सकते हो पर उसके ऊपर नहीं जा सकते. तो आई फोर पे बना सकते हो क्या? आई फोर पे कुछ परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो आई फोर जो मैंने कर्व बनाया है पूरा कर्व अपने बजट लाइन के ऊपर है. तो हम लोग आई फोर पे परचेज, हम लोग आई फोर में जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है उसको परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा इनफीजिबल है, क्योंकि वो सारा इनफीजिबल है. दैट इज़ इन द इनफीजिबल रीजन. अब हम लोग कहाँ कहाँ परचेज कर सकते हैं? हम लोग का ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ गुड्स कब होता है? वेन योर बजट लाइन एंड योर आईसी कर्व इंटरसेक्ट्स. वेन योर बजट लाइन एंड योर आईसी इंटरसेक्ट्स. तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? एक इधर हो रहा है. मैं सबको रीनेम कर रही हूँ. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ये ई है. सपोज दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आई हैव मेड. तो अब बताओ हम लोग कहाँ कहाँ परचेज नहीं करेंगे. विल यू परचेज एट ए, बी, डी एंड ई? ये जो सारा पॉइंट्स है या तो आई वन पे है, या तो आई वन पे है, या तो आई टू पे है, करेक्ट? एंड जो पॉइंट सी है हमारा, जो पॉइंट सी है जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, जो पॉइंट सी है हमारा, दिस इज ऑन विच पॉइंट? दिस इज ऑन आई थ्री. दिस इज ऑन आई थ्री विच इज़ अ हायर यूटिलिटी कर्व. तो आप किस पे बनाओगे, किस पे परचेज करोगे? एट दिस पॉइंट, पॉइंट सी इज माई ऑप्टिमम कंजम्पशन लेवल. दिस इज माई ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट, जहाँ पे आई सी कर्व इज इंटरसेक्टिंग योर बजट लाइन. ऑल्सो दिस इज द हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व विच यू कैन अटेन. आई फोर पे जा नहीं सकते बिकॉज दैट इज इन द इनफीजिबल रीजन. आई टू आई वन इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग विद द बजट लाइन, बट वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, तो उस पर हम लोग नहीं बनाएंगे. क्लियर है? उस पर हम लोग नहीं परचेज करेंगे बिकॉज वी थिंक रैशनली. हमने क्या अज्यूम किया था सबसे पहला क्लास में? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स थिंक रैशनली. यहाँ पे वी आर थिंकिंग रैशनली, सो वी विल परचेज एट आई थ्री,
which is the highest attainable indifference curve. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कब हम लोग जब तुम लोग को अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट, तो उसमें तुम लोग बोलोगे द पॉइंट एट विच द बजट लाइन इज टैंजेंशियल टू द आईसी कर्व. तो यहाँ देखो इस पॉइंट पे दिस बजट लाइन इज अ टैंजेंट टू द I3 कर्व, इज टैंजेंट टू द I3 कर्व, करेक्ट? येस और नो? बी वन इज टैंजेंट टू I3 कर्व है कि नहीं एट पॉइंट सी. तो इसीलिए दैट इज द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट. अब इस पॉइंट पे क्या है, योर पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है उसका स्लोप क्या है, इफ यू टेक द I3 कर्व, स्लोप क्या होता है, MUX/MUY, याद है लास्ट क्लास से? एंड वॉट इज द स्लोप ऑफ बी वन? स्लोप ऑफ बी वन इज PX/PY. दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? बिकॉज एट पॉइंट सी B1 इज टैंजेंशियल टू द कर्व I3, तो उन दोनों का एट पॉइंट सी बोथ द स्लोप्स आर इक्वल. पॉइंट सी पे IC कर्व का क्या स्लोप होगा, MU/MUX/MUY, एंड वो टैंजेंट जो लाइन पास कर रहे दैट इज नथिंग बट द बजट लाइन. बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, PX/PY. नाउ टेल मी, अगर तुम लोग ने रिवाइज किया है लास्ट क्लास का कंटेंट, व्हाट इज दिस इक्वेशन विच आई हैव रिटन ओवर हियर? ये हमने लास्ट क्लास किया है, इसको कुछ नाम दिया था हमने. व्हाट इज दिस इक्वेशन विच आई हैव रिटन ओवर हियर, बताओ, याद करो. जब हम लोग टू कमोडिटी वर्ल्ड कर रहे थे तो हमने ये इक्वेशन पढ़ा था, दिस इज नोन एज, बोलो, दिस इज नोन एज इक्वी, सब भूल गए, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, याद है? यही सेम इक्वेशन बना था, थोड़ा उसको हमने ट्वीक करके लिखा था, कैसे, MUX/PX/MUY/PY, ऐसे लिखा था हमने उसको, देख लो. क्लियर है? यस या नो? I am waiting for your reply, yes या no? ठीक है, तो next, अब देखना हमारा aim क्या होना चाहिए. हमारा aim ये होना चाहिए कि हम लोग अपने utility को maximize करें, this is our total utility. हम लोग अपने total utility in terms of x and y को maximize करें, but given there is a constraint, there is a constraint, and what is the constraint? Constraint is the budget, which is equal to XPX plus YPY. This is our constraint. ये constraint के होते होते हमें maximize करना है अपने total utility को, ठीक है? Now coming to the next topic. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तुम लोग नहीं पढ़ा होगा कभी भी. यहाँ देखो, सो वी अगेन हैव एक्स एंड वाई एंड आई एम मेकिंग, लेट्स सपोज तीन बजट लाइन बनाती हूँ मैं. थोड़ा अगर मेरा डायग्राम इधर उधर हो तो जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्केल टू ड्रॉ. बी वन,
B2 and B3. These are the three different budget lines which I have made. ठीक है, तीनों बजट लाइन पे आई कैन हैव देन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पॉइंट. तो उसके लिए पहले हमें आईसी कर्व चाहिए. ठीक है, I1, I2, I3. तो ये तीनों, ये और ये तीन ब्लू डॉट्स जो मैंने बनाए, ये तीनों ऑप्टिमम को पॉइंट्स है डिपेंडिंग ऑन द बजट लाइन. सपोज मेरा इनकम बढ़ा तो बढ़ते गया तो मेरा ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आईसी कर्व है दैट इज़ ऑल्सो शिफ्टिंग अपवर्ड्स. करेक्ट है, दैट विल ऑल्सो शिफ्ट अपवर्ड्स. तो ये जो तीनों पॉइंट बन रहा है, ये तीनों डिफरेंट ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट्स है एट थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, B1, B2 एंड B3. क्लियर है? सो इफ वी जॉइन दिस थ्री लाइन, तो ये जो हमारा लाइन हमें मिलता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व. इस कर्व को हम लोग बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व. बेसिकली दिस कर्व शोज द डिफरेंट ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम आपका डिफरेंट कंजम्पशन पॉइंट क्या होगा, ये वो हमें दिखाता है इनकम कंजम्पशन कर्व. एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, यू विल हैव डिफरेंट कंजम्पशन पॉइंट्स. आईसी कर्व तो क्या है, आईसी कर्व तो चेंज हो सकता है ना. अगर आपका इनकम बढ़ रहा है सो यू विल मूव ऑन टू द हायर आईसी कर्व. मैंने जो इनडिफरेंस कर्व मैप दिखाया था लास्ट क्लास, ये जो डिफरेंट आईसी कर्व है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है सो यू विल मूव टू द हायर आईसी कर्व. क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा एंड वी गेट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स ए बी एंड सी. ये तीनों को ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट एन इनकम कंजम्पशन कर्व विच गिव्स अस द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. क्लियर? नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैपन्स एंड आपका इनकम कंजम्पशन कर्व चेंज होता है. ठीक है, तो हम लोग सपोज एंड सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ओनली योर इनकम इज चेंजिंग. याद रखना, प्राइजेज ऑफ बोथ द गुड्स इज नॉट चेंजिंग, दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो ये कभी भी कन्फ्यूज मत होना, योर प्राइज ऑफ गुड्स रिमेन द कॉन्स्टेंट. एक चीज़ और जो मेरे को बताना था बजट लाइन में, मैं ऊपर जाके बताती हूँ. यहाँ पे जो मैंने शिफ्ट इन बजट लाइन दिखाया था एंड मैंने बोला था कि पी एक्स बाई पी वाई इज़ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. सो इफ आई से दैट पी एक्स बाई पी वाई सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, सपोज अमाउंट नहीं, सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है, एंड लेट अस सपोज कि आपका स्लोप रिमेन्स द सेम. यहाँ पे आपका स्लोप क्या था, 2/1, ये 2, ये 1. पी एक्स 2 लिया था, पी वाई 2 लिया था. नाउ सपोज पी एक्स हो गया 4, पी एक्स हो गया 4 एंड पी वाई हो गया 2. योर स्लोप स्टिल रिमेन्स 2/1, योर स्लोप स्टिल रिमेन्स 2/1. तो इन दिस केस बोथ इज इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन एंड योर स्लोप इज रिमेनिंग द सेम. तो यहाँ पे देर विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट, बट दिस शिफ्ट विल नाउ बी अ पैरेलल शिफ्ट. जो मैंने ब्लू से बनाया विल नाउ बी अ पैरेलल शिफ्ट, पिवट नहीं होगा. पिवट किस केस में होगा, जब आपका इनकम सेम है और एक प्राइस चेंज हो रहा है, एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरे का सेम रह रहा है. ये कब होगा, जब आपका दोनों पी एक्स एंड पी वाई इज चेंजिंग इन द सेम प्रपोर्शन सच दैट द स्लोप ऑफ द कर्व रिमेन्स द सेम. उस केस में क्या होगा, आपका पैरेलली शिफ्ट होगा, क्योंकि आपका स्लोप नहीं चेंज होगा, पैरेलल लाइन्स का स्लोप सेम रहता है. क्लियर? तो यहाँ पे देर विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है दोनों का. सो नाउ यू विल बी एबल टू परचेज लेस, बट जो चेंज है उसकी वजह से स्लोप इज स्टिल रिमेनिंग द सेम. तो हम लोग का कैसा शिफ्ट होगा, यहाँ पे देर विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट. क्लियर है? पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट. तो वापस इधर आते हैं, एंड वेन वी वर सेइंग कि सपोज आपका मनी इनकम बढ़ता है. ठीक है, सपोज योर मनी इनकम
is increasing and your price remains the same. Price में कोई change नहीं है, तो आपका real income बढ़ेगा. Now what is your real income? Real income is how much you can purchase with the given level of या फिर बोल सकते हो real income is nothing but the proportion or the amount which you can purchase from rupee one. Suppose अभी मेरे पास 100 rupees है, ठीक है, मेरा सैलरी भर के 120 हो गया फॉर एग्जाम्पल, बट इवन द प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो मेरा रियल इनकम उतना नहीं बढ़ेगा. ये हम लोग अभी करेंगे. मेरा रियल इनकम उतना नहीं बढ़ेगा. वॉट इज़ योर रियल इनकम? द अमाउंट ऑफ गुड्स विच यू कैन परचेज विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम. तो यहाँ पे इफ़ आई से दैट द प्राइस इज नॉट इंक्रीजिंग बट ओनली द इनकम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 100 to 120, तो अब हम लोग ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं बिकॉज नाउ वी हैव 120 इंस्टेड ऑफ 100 एंड PXPY सेम रह रहे हैं. तो इससे हमारा रियल इनकम बढ़ेगा. वॉट इज़ योर रियल इनकम? रियल इनकम इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच यू कैन परचेज विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, हाउ मच यू कैन बाय? सपोज इफ आई से आपका मनी इनकम 10% से बढ़ा, ठीक है, आपका मनी इनकम 10% से बढ़ा, बट मैं ये भी बोल रही हूँ कि प्राइजेस भी बढ़ गया, लेट्स से सपोज 8% से, लेट्स से सपोज 8% से आपका प्राइस भी बढ़ गया, तो आपका रियल इनकम कितना से बढ़ेगा? 2% से. 2% से क्यों? क्योंकि अगर आपका प्राइस 10% से, अगर आपका इनकम 10% से बढ़ रहा है, तो यानी कि ये मेरा हो गया 100 से 110 हो गया, 10% से मेरा इनकम बढ़ा. बट मैं बोल रही हूँ प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, प्राइजेस भी 8% से बढ़ रहे हैं, तो अब आपका इनकम जब बढ़ रहा है, हाउ मच नाउ मोर यू कैन बाय? 2%. सो दैट इज़ योर इंक्रीज इन द रियल इनकम. 2% दैट इज़ योर इंक्रीज इन द रियल इनकम. देख लो, दिस इज़ योर इंक्रीज इन द रियल इनकम. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट, ये रियल इनकम क्लियर है ना? रियल इनकम, इनकम का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ बेसिकली ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व, वैसे हमें क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है कि एज योर इनकम इज चेंजिंग, यू कैन परचेज डिफरेंट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, यू कैन मेक डिफरेंट ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एज योर इनकम इज चेंजिंग. सो इसका क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसा है. वॉट इज़ योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ सर्टन गुड्स इफ़ योर इनकम इज चेंजिंग. When your income is changing, same thing is measured using the income consumption curve. तो income consumption का curve जैसा होगा, जिस वे से होगा, हम लोग बोल सकते हैं that will also give us कि उस good का elasticity कैसा होगा, whether it will be, whether it will have a inelastic income, inelastic income, basically income elasticity of demand उसका ज़्यादा elastic है या less elastic है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग दिस कर्व, क्योंकि अगेन दिस मेजर्स कि हाउ मच यू कैन कंज्यूम एज योर इनकम इज चेंजिंग. वॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर कंजम्पशन एज योर इनकम इज चेंजिंग? क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे वापस से मैं एक डायग्राम बनाऊंगी. यहाँ पे सपोज this is your x and this is your y. I'm taking two goods and both the goods are normal goods. Normal goods होने का क्या मतलब है? क्यों मैं normal goods बोल रही हूँ? Because again we're talking about income. Income अगर बढ़ेगा तो normal goods का consumption भी बढ़ेगा. Income अगर कम होगा तो normal goods का consumption भी कम होगा. ठीक है, this is what I am saying. तो in this case मैं क्या बोलूँगी कि कैसे हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो कैसे शो करेगा? यहाँ पे तुम लोग कंपाइलर में देखना, एक चीज़ लिखा हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम कंजम्पशन कर्व के नीचे, इफ़ इनकम कंजम्पशन कर्व बिकम्स फ्लैटर एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम, इट वुड शो
that increasing proportion of income is spent on good X, यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इनकम, मैं एक बार ऐसे लिख रही हूँ इनकम कंजम्पशन कर्व को, इनकम कंजम्पशन कर्व अगर फ्लैटर है, अगर फ्लैटर है तो इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ इनकम, एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ इनकम विल बी स्पेंट ऑन गुड एक्स, विल बी स्पेंट ऑन गुड एक्स, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज हायर ऑफ गुड एक्स. समझ में आ रही है पूरा चीज़ का मतलब? ये पूरा चीज़ का मतलब समझ में आ रहा है? अगर फ्लैटर कैसा हो सकता है, अगर आपका पॉइंट कुछ, आपका आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता, अगर ये आपका इनकम कंजम्पशन कर्व होता ऐसा, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा कुछ मैंने बनाया, देख लो, फ्लैटर बनाया. इस केस में क्या मतलब है, जो मैंने ब्लैक से एक लाइन बनाया, डबल टिक किया, कि योर, एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, यू आर स्पेंडिंग हायर प्रपोर्शन ऑफ इनकम ऑन गुड एक्स, यानी कि योर इनकम कंजम्पशन कर्व इज फ्लैटर. पर अगर यही कर्व स्टीपर होगा, सपोज इस केस में जो है, ठीक है, यही कर्व अगर स्टीपर होगा, जैसे इस केस में है, स्टीपर होने का क्या मतलब है, एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन गुड वाई. देखो गुड वाई ज़्यादा भर्ड है ना गुड एक्स से, गुड एक्स खाली इतना भरा, गुड वाई ज़्यादा भर्ड है. पहले इतना बड़ा यहाँ था, देख लो मैं लाइंस बनाती हूँ, यहाँ एंड ये यहाँ से सीधा यहाँ चला गया. सो देयर इज़ अ हायर इंक्रीज इन, एक्चुअली ये थोड़ा और टिल्ट होगा तब और समझ में आएगा, एक्चुअली देयर इज़ अ मोर इंक्रीज इन गुड वाई व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, हेंस द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई इज ऑल्सो हायर when your income consumption curve is steeper. Flatter hai to matlab good y zyada khareed rahe ho, steeper hai to matlab flatter hai to good x zyada khareed rahe ho, steeper hai to good y zyada khareed rahe ho. Diagram se bhi samajh mein aa raha hai. To agar ye question aaya MCQ ke form mein, agar aaya suppose, to you will understand ki flatter hai to matlab ki, bana ke dekhna na, flatter hai to aapka kuch aisa banega, तो इस, और स्टीपर है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है. डजन, आप ये मत देखो कि शेप ऊपर नीचे हो जा रहे, दैट डजेंट मैटर नाउ, ठीक है. अगर मैं बोल रही हूँ ऐसा एक जगह और मैं बोल रही हूँ ऐसा एक जगह, सो डजेंट मैटर कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो अभी मैटर नहीं कर रहा है. ये देखो कि फ्लैटर है कि स्टीपर है, स्टीपर है तो गुड वाई ज़्यादा खरीद रहे हो, फ्लैटर है तो गुड एक्स ज़्यादा खरीद रहे हो. नाउ सपोज ये हो गया एक्स और वाई जब दोनों नॉर्मल गुड्स हैं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम लोग एक्स को लेते हैं, लेट्स सपोज इन्फीरियर गुड. तो इसको मैंने ले लिया इन्फीरियर गुड, ठीक है. इन्फीरियर गुड का क्या मतलब है, एज योर इनकम इंक्रीजेस गुड वाई को अब हम लोग नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो कैसा बनेगा देखो. मैं डिफरेंट आईसी कर्व्स बजट लाइन्स बनाती हूँ. सबसे पहले तो दिस इज़ योर टू बजट लाइन B1 एंड B2, ठीक है. यहाँ पे मैंने एक बनाया I1, यहाँ पे मैंने एक बनाया, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा और ठीक से बनाती हूँ. I2. सो व्हाट आर द टू ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट्स, दिस एंड दिस, इन दोनों को जोड़ते हैं. कुछ ऐसा मेरा ब्लू वाला जो मैंने बनाया है इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा, इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा. इन दिस केस व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्चुअली थोड़ा और फ्लैट अगर आप लोग देखो उसमें कंपाइलर में, तो थोड़ा और फ्लैट और स्टीपर बनाया हुआ है, कुछ ऐसा बनाया हुआ है. इस केस में क्या हो रहा है, एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, आप गुड वाई कम, गुड एक्स इनफैक्ट कम परचेज कर रहे हो एंड गुड वाई ज़्यादा परचेज कर रहे हो. अगर मैं इसको थोड़ा और फ्लैट बनाऊँ और मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका ये आपका गुड एक्स का कंजम्पशन है, तो आपका इंक्रीज़ ज़्यादा नहीं हुआ, देखो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ इन योर गुड एक्स. एक्चुअली इंक्रीज़ होना भी नहीं चाहिए था, डिक्रीज़ होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज अगर आप लोग कंपाइलर में देखो योर गुड बी, मैं थोड़ा और ट्राई करती हूँ टू मेक इट हेयर प्रॉपरली,
ठीक है, एंड लेट मी मेक दिस ओवर हियर. कुछ ऐसा ठीक है, ये B1 बना मेरा. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स बन गए मेरे, ये A एंड ये B, एंड इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये मेरा इनकम कंजम्पशन कर्व बन गया. योर पॉइंट बी इज एक्चुअली टुवर्ड्स द is actually should be towards the left, should be towards the left of A. क्योंकि मेरा बोलने का क्या मतलब है ये समझो कि as your income is increasing, as your income is increasing, as your income is increasing, जैसे increase हुआ तो हमारा B1 से B2 shift हुआ budget line, your consumption of good X should decrease. Y तो increase होगा, चलो ठीक है, एक्स का डिक्रीज कराना है आपको, डिक्रीज कराना है, तो मतलब कि ये अगर आपका ए है तो ये आपका बी आना चाहिए, इट शुड बी लेस, बी शुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ए. क्लियर हो रहा है? व्हेन यू मेक इट यूजिंग अ स्केल तब ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको. अगर आप यू सी द कंपाइलर, कंपाइलर में जो है मैंने डायग्राम बनाया है उसमें जो बी है, पॉइंट बी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए. क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली योर इनकम is increasing, your income, y लेते हैं, your income, मैं y नहीं ले रही हूँ because we have good y, इसीलिए मैं खाली income लिख रही हूँ. If your income is increasing, आपका good x is decreasing, तभी तो negative income elasticity of demand होगा. Clear है? Inferior good में क्या होगा? Point B should be on the left of point A in this curve, इन दिस डायग्राम, तभी आपका गुड एक्स विल बी योर इन्फीरियर गुड. इनकम इंक्रीज तो आपका कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स कम. ठीक है, क्लियर है? दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ इनकम विच वी सो. ठीक है, इनकम बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स पे क्या असर होगा, इन्फीरियर गुड पे क्या उसका असर होगा. ठीक है, क्लियर है? इनकम कंजम्पशन कर्व क्लियर है? इफ योर इनकम इज चेंजिंग, योर बजट लाइन विल शिफ्ट. इफ बजट लाइन विल शिफ्ट, योर कंजम्पशन, ऑप्टिमम कंजम्पशन विल ऑल्सो शिफ्ट, एंड उसकी वजह से द कर्व आफ्टर यू जॉइन ऑल द पॉइंट्स यू गेट इज योर नथिंग बट इनकम कंजम्पशन कर्व. उसका शेप विल डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी, नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि इन्फीरियर गुड है तो कैसा उसका कर्व बनेगा, पॉजिटिव है तो कैसा उसका कर्व बनेगा. जनरली डायग्राम अगर नहीं भी आया, एक्सप्लेनेशन आ सकता है कि फ्लैटर कब होगा, स्टीपर कब होगा, इन्फीरियर गुड में क्या होगा, पॉइंट बी शुड बी ऑन द लेफ्ट. गिफ्ट गुड्स इधर नहीं करेंगे, गिफ्ट गुड्स करेंगे व्हेन द प्राइस चेंजेस. ठीक है, व्हेन द प्राइस चेंजेस उस केस में वी विल सी गिफ्ट गुड्स का क्या असर होता है एंड व्हाट आर गिफ्ट गुड्स. अभी नहीं, इनकम के केस में गिफ्ट गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का सेम इफेक्ट होता है. एक चीज़ ध्यान रखना, जिनको पता है इन गिफ्ट गुड्स क्या होता है, हम लोग अभी आएंगे गिफ्ट गुड्स में. गिफ्ट गुड्स के केस में गिफ्ट गुड इज़ नथिंग बट एन इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड का एक पार्ट है गिफ्ट गुड, तो इनकम का असर सेम होगा. सुमेधा क्लियर है? इनकम का असर सेम होगा ऑन द गिफ्ट गुड. गिफ्ट गुड इज़ नथिंग बट पार्ट, दिस इज़ योर इन्फीरियर गुड्स, उसी का एक पार्ट होता है गिफ्ट गुड. तो जैसे आपका इन्फीरियर गुड्स पे असर होगा वैसे ही आपका गिफ्ट गुड्स पे असर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट. ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे द अफेक्ट ऑफ प्राइस. अभी हमने इनकम का देखा चेंज ऑन द ऑप्टिमम कंजम्पशन, अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑप्टिमम कंजम्पशन का चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, सो इफ दिस इज योर B1, if this is your B1 and I say that the price of good X is decreasing, तो there will be a pivot हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा B2,
बी टू एंड इसी के साथ साथ आपका कंजम्पशन, आपका आईसी कर्व भी चेंज हो रहा है एंड यू गेट योर न्यू लाइन. बट दिस लाइन विच यू गेट नाउ इज वॉट, दिस लाइन विच यू गेट नाउ इज वॉट, दिस इज योर, दिस इज नोन एज प्राइस कंजम्पशन कर्व. ठीक है, जो मैंने ब्लू से लिखा है प्राइस कंजम्पशन कर्व. एज योर प्राइस इज चेंजिंग योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो चेंजिंग. एज योर प्राइस इज चेंजिंग योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो चेंजिंग. तो हम लोग जब सारे पॉइंट्स को जोड़ के कर्व बना दे, वी विल गेट द प्राइस कंजम्पशन कर्व. क्लियर? वी विल गेट द प्राइस कंजम्पशन कर्व. ठीक है, द लाइन शोइंग पर्सन्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एज योर प्राइस चेंजेस बट इनकम रिमेन्स द सेम. हमेशा याद रखना बाकी सब कुछ सेम रहेगा, योर इनकम एंड पी वाई ऑल्सो रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या खाली चेंज हो रहा है? खाली एक चीज चेंज हो रहा है विच इज योर पी एक्स. योर पी वाई एंड योर इनकम, योर पी वाई एंड योर इनकम बोथ बोथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बोथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना. तो जब ऐसा कुछ हम लोग बना रहे हैं, जब ऐसा कुछ हम लोग बना रहे हैं, तो ये डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? सपोज मैं बोलूं, ये वाला क्लियर हो रहा है ना कि मैं कैसे बना रही हूँ? अगर मैं बोलूँ कुछ ऐसा चीज़ कि योर इनकम इज चेंज, योर पी एक्स इज चेंजिंग, तो ऐसा कुछ बनेगा. ये बी वन था, ये बी टू हुआ, ये बी थ्री हुआ. ठीक है, अब मैं आईसी कर्व्स बनाती हूँ. ये मेरा आई वन, ये मेरा आई टू, ठीक है, ये मेरा आई थ्री. तो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आई एम गेटिंग? वन टू थ्री. नाउ सिमिलरली दीज पॉइंट्स व्हिच आई एम गेटिंग ओवर हियर, प्लीज अगर कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो रहा है ना तो पूछ लेना. इफ यू ऑल थिंक कि ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो प्लीज पूछ लेना मेरे से. अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला प्राइस इंक्रीज्ड टू बी टू, प्राइस इंक्रीज्ड टू बी टू. तो हमें एक पॉइंट मिला पॉइंट ए. सपोज पहला वाला पॉइंट मिला पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट ए फॉर एग्जाम्पल विच आई हैव मेड ओवर हियर, कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितना कंजम्पशन हो रहा है एक्स का. यहाँ से पॉइंट ए से समझ में आ जाएगा ना कि पी एक्स क्या है, हमें पता है. एंड जो ये पॉइंट ए है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. तो हमें एक्स मिल जाएगा यहाँ से, पी एक्स और एक्स दोनों चीज़ मिल गया हमें पॉइंट ए का. उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया प्राइस और एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स वाले में. सिमिलरली प्राइस इंक्रीज हुआ ऑफ एक्स, तो एक्स भी चेंज होगा वापस से, एक्स और वाई दोनों चेंज होगा. तो यहाँ से हमें वापस एक्स मिल जाएगा पॉइंट बी. वापस इस पॉइंट बी को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे. इस केस में आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, शायद प्राइस डिक्रीज हो रहा है. मैंने शायद इंक्रीज बोल दिया भूल से, प्राइस डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि प्राइस अगर डिक्रीज होते तभी आप पिविट राइट वर्ड्स होते हैं ना, पिविट राइट वर्ड्स होते हैं. एंड सिमिलरली वापस से व्हेन देर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स, तो अगेन यू विल गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई. तो इससे हमें जो ये एक्स है वो मिल जाएगा. सो द न्यू प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, वी गेट अ न्यू पॉइंट पॉइंट सी. अब इन तीनों को जब जोड़ देंगे
अब इस तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे, वी विल गेट समथिंग विच इज कॉल्ड डिमांड कर्व. डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व होता क्या है, कैसे प्लॉट करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ एक्स. क्लियर हो रहा है कि कैसे हमने डिराइव किया डिमांड कर्व फ्रॉम द आईसी विच इज योर, सॉरी, प्राइस कंजम्पशन कर्व से कैसे हमने डिमांड कर्व अटेन किया. एक बार यस लिख दो, इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. एक बार यस नो लिखो कुछ भी. एज योर प्राइज इज चेंजिंग, योर बजट लाइन विल योर पिविट, बजट लाइन विल पिविट. ठीक है, प्राइज हमने क्या लिया, डिक्रीज हो रहा है, सो इट विल पिविट राइट वर्ड्स. आईसी कर्व्स अपने आप बन जाएंगे एंड उसकी वजह से हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पॉइंट्स मिलेंगे. तो वो जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पॉइंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइज. तो वो जो प्राइज एंड गुड एक्स ये दोनों हमें मिलेगा, इसको हम लोग दूसरे कर्व में प्लॉट कर रहे हैं. ये यहाँ था एंड ये यहाँ था, फिर ये यहाँ वो डिक्रीज होके यहाँ आया एंड ये डिक्रीज होके यहाँ आया. तो ये जो हमें पॉइंट्स मिला तीनों, इनको हमने जब प्लॉट किया तो दिस इज़ नथिंग बट द डिमांड कर्व. एज प्राइस इन डिक्रीजेज योर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेज. क्लियर है, क्लियर है. दस मिनट 15 मिनट का टॉपिक है ये, इसको ख़त्म करके वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो इसको ख़त्म करते हैं पहले, फिर वील टेक अ ब्रेक छोटा सा. तो यहाँ देखो, नाउ सपोज, अब हम लोग प्राइस कंजम्पशन कर्व से दो चीज़ को समझ सकते हैं, विच इज़ योर इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, इनकम इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिमांड हमने किया था व्हेन वी वर डूइंग डिमांड चैप्टर. वो हम लोग समझ सकते हैं यूजिंग द इनकम कंजम्पशन कर्व. कैसे करेंगे देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल गुड, व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल गुड, मैं कर्व बनाती हूँ फिर से. अगेन आई एम टेकिंग दैट द प्राइस इज इंक्रीजिंग, या फिर प्राइस इज, लेट्स सपोज लेते हैं प्राइस इंक्रीज लेते हैं इस बार. अगर आप प्राइस इंक्रीज लोगे तो ये B1 है, ये B2 है. ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि मैंने अब क्या लिया है, प्राइस इंक्रीज लिया मैंने. इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी है टू अंडरस्टैंड, बट अगेन इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, दिस वॉज माई I1 कर्व. दिस वॉज माई I1 कर्व. नाउ प्राइस इंक्रीज हुआ, ये मैंने बोला. ठीक है, तो B1 से हम B2 गए, ये मेरा नया I कर्व है. I2, ठीक है, नया ऑप्टिमम पॉइंट मिला हमें. ये था पहले वाला पॉइंट, पॉइंट मैं वही पॉइंट ले रही हूँ विच इज़ देयर इन योर कंपाइल होता, कि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना पड़ते टाइम. पॉइंट एफ हम लोग अभी इधर खड़े हैं, Qx1 पे. एज योर प्राइस इंक्रीज, ठीक है, एज योर प्राइस इंक्रीज क्या होगा, आप अब क्या ज़्यादा खरीदोगे, वाई सब्स्टिट्यूट करोगे और एक्स आप कम खरीदोगे. ठीक है, वाई ज़्यादा खरीदोगे, एक्स कम खरीदोगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लाओगे. तो हम लोग एक नया कर्व बनाएंगे, नया बजट लाइन बनाएंगे, इमेजिनरी बजट लाइन बनाएंगे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा. मैं ब्लू से बना देती हूँ.
एंड ये जो बजट लाइन मैंने बनाया है, लेट अस रीनेम दिस एज B1A, B1A, ये B1 था, B1A, दिस इज पैरेलल पैरेलल टू B2, दिस इज पैरेलल टू B2 जो मैंने बनाया है. अब इसका इंटरसेक्शन जो मेरे IC कर्व I1 से ही हो रहा है, देखो I1 से ही हो रहा है, I1 से ही हो रहा है. दिस इज द पॉइंट विच आई एम गेटिंग ओवर हेयर एज QX2. ये जो डिक्रीज है फ्रॉम QX1 टू QX2 गिव्स अस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे मैंने कोई रियल चेंज ऑफ इनकम नहीं दिखाया है. क्यों रियल चेंज ऑफ इनकम नहीं दिखाया है? क्योंकि मैंने पूरे कर्व को ऐसे शिफ्ट किया जिससे कि योर PX एंड PY काइंड ऑफ, चलो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. कंपाइलर में मैंने जो लिखा है, वी ड्रॉ अ न्यू बजट लाइन B1A, जो मैंने B1A बनाया, पैरेलल टू B2, शोइंग द न्यू प्राइस रेशियो PX/PY. न्यू प्राइस रेशियो हायर ऑफ प्राइस एक्स. प्राइस एक्स बढ़ रहा था, प्राइस एक्स अगर बढ़ेगा एंड मैं एक नया कर्व बना रही हूँ जिससे कि वो B2 के पैरेलल रहे, यानी कि एक्स में भी वाई में भी कोई चेंज है जो कि अभी हम लोग इग्नोर करें, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन वी आर मेकिंग टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स. ठीक है, बींग टेंजेंशियल टू I1, I1 से टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट G. ठीक है, द यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन रिमेन्स द सेम. पॉइंट F एंड पॉइंट G दोनों I1 के ऊपर है, तो यानी कि दोनों का यूटिलिटी सेम है. यूटिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है पॉइंट F और पॉइंट G का. ओनली वॉट इज चेंजिंग पॉइंट, जस्ट इट इज शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड, यानी कि वाई इंक्रीज हो रहा है. देख रहे हो इस पॉइंट पे, अगर ध्यान से देखो वाई इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है. यही मैंने बोला था, वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स विथ वाई. एक्स कम खरीदेंगे, वाई ज़्यादा खरीदेंगे. वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स विथ वाई. क्लियर है ये चीज़? क्लियर है. सेम लेवल ऑफ IC कर्व, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, जस्ट योर दिस स्लाइट चेंज, एक कम एक ज़्यादा और है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहे हैं. ठीक है, देर इज नो चेंज इन द रियल इनकम. यहाँ पे जो हो रहा है, नो चेंज इन द रियल इनकम. वी आर एक्सक्लूडिंग द इनकम इफेक्ट. मूवमेंट फ्रॉम F टू G, यानी कि QX1 से QX2, इज ओनली ड्यू टू द रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. रिलेटिव चेंज यानी एक्स का प्राइस ऐसे बढ़ा कि आपका जो स्लोप है, जो मैंने ये बनाया, दिस इज पैरेलल टू B2. यहाँ पे मैंने खाली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाया, आई हैव इग्नोर्ड द इफेक्ट ऑफ इनकम. यहाँ पे क्या किया मैंने, इट इज स्टिल सेम ऑन द सेम IC कर्व, तो आपका यूटिलिटी सेम है, खाली आपका वाई बढ़ा एक्स कम हुआ. एक ऐसे बढ़ा, एक ऐसे ऐसे कम हुआ कि आपका यूटिलिटी स्टिल रिमेन्स द सेम. दिस इज योर इनकम इफेक्ट. अब इसी में हम, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब इसी में हम लोग इनकम इफेक्ट कैसे दिखाएंगे. एक्चुअल में हम लोग का जो बजट लाइन है वो कौन सा शिफ्ट हुआ था, B2. B2 वॉज द एक्चुअल बजट लाइन जो हमारा शिफ्ट हुआ, तो इसके वजह से दिस इज द न्यू पॉइंट विच वी आर एट करेंटली. H पॉइंट का नाम देते हैं एंड दिस इज QX3. तो ये जो आपका डिस्टेंस है ऑफ QX2 से QX3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नथिंग बट द इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट आपका बजट लाइन चेंज हो रहा है. इनकम इफेक्ट यानी कि रियल इनकम इफेक्ट हो रहा है बेसिकली. योर PX इज डिक्रीज इंक्रीजिंग, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, यानी कि आपका रियल इनकम इज डिक्रीजिंग. आपका रियल इनकम अगर डिक्रीज हो रहा है, अब आप लेस ऑफ एक्स खरीदोगे, यू आर एट I2, विच इज़ यू आर एट I2,
विच इज़ अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, आपका यूटिलिटी भी कम हो रहा है, टोटल यूटिलिटी भी कम हो रहा है बिकॉज आपका क्या हो रहा है, एक्स का प्राइस बढ़ रहा है इसके वजह से, योर रियल इनकम इज़ फॉलिंग. तो ये पढ़ो इनकम इफेक्ट में क्या लिखा है. इन रियलिटी बजट लाइन शिफ्टेड टू बी टू, कंज्यूमर इज फोर्स्ड टू कंज्यूम एट आई टू, रियल इनकम कम हो गया ना उसका. देर इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम क्यू एक्स टू से क्यू एक्स थ्री एंड दिस मूवमेंट सिग्निफाइज द इनकम इफेक्ट. बोथ योर सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट के वजह से योर गुड्स हैव बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम, योर कंजम्पशन हैज़ बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम क्यू एक्स वन से क्यू एक्स टू. दोनों का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का दोनों का एडिशन हो रहा है यहाँ पे. दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. ये चीज़ क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट दोनों डायग्राम जो है वो मैं 5 मिनट में समझा दूंगी. एकदम सेम है, कुछ स्लाइड डिफरेंस है दोनों में. ये वाला अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाला आराम से दोनों डायग्राम समझ आ जाएगा. यस या नो? हमने एक ऐसा कर्व बनाया, ऐसा बजट लाइन बनाया विच इज़ पैरेलल टू बी टू. उसमें हमने खाली ये दिखाया देर इज़ अ रिलेटिव चेंज इन बोथ प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई, जस्ट टू शो द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कि अगर हम लोग प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो एक्स कम खरीदेंगे, वाई ज़्यादा खरीदेंगे, बट हम लोग सेम आईसी कर्व में रहेंगे. बट एक्चुअली हम लोग का डिमांड, हमारा बजट कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ, बी टू में शिफ्ट हुआ बजट लाइन. इसका मतलब हम लोग का आईसी कर्व भी नीचे वाला होगा, हम लोग का यूटिलिटी भी डिक्रीज होगा. यस या नो? ये क्लियर है या नहीं, बस एक बार हाँ या ना लिख दो. एक बार येस या नो लिख दो. लास्ट लाइन ऑफ इनकम इफेक्ट क्या है, एज बोथ इफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर. ये वाला क्या सुमेधा? इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है, बोथ द इफेक्ट्स आर इन द सेम डायरेक्शन ना, जो मैंने बोला. तो अगर आपको याद है हम लोग जब डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से कैसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड समझाते हैं. यहाँ पे दोनों से क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, एंड दोनों से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हायर. क्यों? प्राइस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों से योर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज फॉलिंग. तो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज ग्रेटर देन वन. ये हम लोग अभी जो नेक्स्ट डायग्राम करेंगे ना इन्फीरियर गुड, इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल में. बहुत बार होता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो उस केस में इट मे नॉट बी ऑलवेज इलास्टिक कर्व. ठीक है, क्लियर है सुमेधा?
हायर जो मैंने ऐसे लिखा है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर, इसका बेसिकली मतलब है कि ये वाला इट इज़ ग्रेटर, मतलब कि आप बोल सकते हो कि दोनों एक दूसरे को री इन्फोर्स कर रहे हैं ना। प्राइस अगर बढ़े, दोनों इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से योर क्वांटिटी इज फॉलिंग। ठीक है, जब हम लोग इन्फीरियर गुड करते हैं, जब हम लोग इन्फीरियर गुड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, देखो ये आपका पहला वाला था। ओहो सॉरी, ठीक है, बी वन बी टू, ये आपका ये आई टू का कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गेटिंग, पॉइंट एफ। अगेन योर प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे यहां पे कुछ, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू बी टू। तो ये जो एक पॉइंट बनेगा यहां पे, अगेन योर पॉइंट जी, ये आपका क्यू एक्स वन था, ये आपका क्यू एक्स टू है। तो ये पूरा जो है दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ा, एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, वाई से। एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, वाई से। एक्स कम खरीदेंगे, वाई ज़्यादा खरीदेंगे। ये क्या मैंने बोला, एक्स इज योर इन्फीरियर गुड, तो इसका इनकम इफेक्ट उल्टा होना चाहिए, इनकम इफेक्ट उल्टा होना चाहिए। अगर क्यों, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड है ना, अगर आपका रियल इनकम कम होगा, सोचना एक बार ध्यान से, इन्फीरियर गुड है, ऑपोजिट डायरेक्शन जाता है। अगर आपका रियल इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका रियल इनकम कम हो रहा है, नथिंग एल्स इज चेंजिंग, योर रियल इनकम इज डिक्रीजिंग। नाउ यू कैन परचेज लेस अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड वाई बिकॉज योर प्राइस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो अब आप लोग क्या करोगे, नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट, नाउ यू विल परचेज मोर ऑफ एक्स, योर इनकम, योर रियल इनकम इज डिक्रीजिंग बट योर क्वांटिटी ऑफ एक्स विल इंक्रीज बिकॉज एक्स इज योर इन्फीरियर गुड। क्या होता था, इनकम जब कम होता था इन्फीरियर गुड ज़्यादा खरीदते थे। तो इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज द न्यू पॉइंट विच इज योर पॉइंट एच, एंड ये जो हमारा लाइन है क्यू एक्स थ्री का, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, फिर से क्यू एक्स टू से क्यू एक्स थ्री पे आ रहे हैं, एंड दिस इज योर इनकम इफेक्ट, दिस इज योर इनकम इफेक्ट। फाइनली वी आर रीचिंग एट क्यू एक्स थ्री, कहाँ से, क्यू एक्स वन से। खाली इतने का खाली चेंज हुआ। ठीक है, क्लियर है। इनकम इफेक्ट इस केस में क्या है, एज योर इनकम, रियल इनकम इज फॉलिंग, योर गुड एक्स, यू आर परचेजिंग मोर ऑफ गुड एक्स, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, और पॉजिटिव आपका सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप उल्टा बोल सकते हो, आप उल्टा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ध्यान से सुनना एकदम। प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज डिक्रीजिंग, योर प्राइस वाज इंक्रीजिंग, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, ये नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव।
यहाँ पे इनकम इफेक्ट में गुड एक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि रियल इनकम कम होगा तो आप गुड एक्स ज़्यादा खरीदोगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है प्राइस के साथ, प्राइस बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है इनकम का, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। तो आपका जो फॉल है वो कम है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, क्यू एक्स वन से क्यू एक्स थ्री देखो कितना गैप है एक्चुअल फॉल जो है। क्लियर क्लियर ये चीज? ठीक है, इसमें डाउट है तो पूछना। अब देखो, अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं गिफिन गुड। गिफिन गुड में क्या होता है ध्यान से सुनो, गिफिन गुड इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड, मतलब इट्स अ वेरी 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 इन्फीरियर गुड बोल सकते हो। इस केस में क्या होता है ना, लॉ ऑफ डिमांड कुछ होल्ड नहीं करता है। इफ़ योर प्राइस ऑफ एक्स इज, इफ़ योर प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, योर क्वान्टिटी ऑफ एक्स विल इंक्रीज। दिस इज़ योर गिफिन गुड। इतना इन्फीरियर गुड है ये, इतना एक्सट्रीम इन्फीरियर गुड है कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा भी ना तो लोग ये और ज़्यादा परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका और कोई सब्सटीट्यूट उन लोग कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि बहुत लेम एन टर्म्स में एक्सप्लेनिंग यू द एग्जाम्पल, अगर किसी को गिफिन गुड नहीं पता है तो वेरी लेम एन टर्म्स, दो गुड है एक्स और वाई, एक्स इज़ अ गिफिन गुड, एक्सट्रीम इन्फीरियर गुड, इसका प्राइस इज रुपीज़ टू, ठीक है, इसका प्राइस इज लेट्स से सपोज रुपीज़ 15, ठीक है, नॉर्मल गुड है आपका, ये टू से हो गया लेट्स से सपोज 2.5, टू से हो गया 2.5, प्राइस इंक्रीज हुआ, गिफिन गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ, बट इसको लोग सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाएंगे विथ गुड वाई, नहीं कर पाएंगे सब्स्टिट्यूट, कर पाओगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, एक 15 रुपीज़ का एक 2.5 रुपीज़ का है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास जब इनकम 30 रुपीज़ ही है और 30 नहीं सॉरी लेट्स सपोज वी टेक 50 रुपीज़ ही है और एक्स का प्राइस हो गया 2 से 2.5, तो आप एक्स ही और ज़्यादा परचेज करोगे क्योंकि अब वाई परचेज करने का उतना रुपया नहीं बचेगा आपके पास। क्लियर है? दिस इज योर गिफिन गुड, एक्सट्रीम केस ऑफ इन्फीरियर गुड वेयर लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क, इफ योर प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा दैट विल बी ऑल्सो वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हम लोग नेगेटिव ही लेंगे, बट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कभी हम लोग पॉजिटिव नहीं लेते, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। कि अगर हम लोग सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सटीट्यूशन, कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे गुड से, बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आता है खाली। सॉल्ट
कैन बी अ गिफिन गुड यू कैन से, बट जनरली हम लोग सॉल्ट को एक्चुअली गिफिन गुड आई डोंट थिंक इन रियल टर्म्स नाउ यू कैन से एनी गुड इज़ अ गिफिन गुड. बहुत ही इन्फीरियर गुड आप लोग बोल सकते हो इज कैन बी अ, हाँ सॉल्ट यू कैन से इज अ गिफिन गुड, बट आई डोंट थिंक सॉल्ट इज़ अ गिफिन गुड. आई डोंट कंसिडर बिकॉज आप उसका क्वान्टिटी एक लिमिट तक होता है, यू कैन नॉट इंक्रीज दैट. जनरली स्टेपल गुड्स, स्टेपल क्रॉप्स जो हम लोग होता है, पहले बोलते थे अभी नहीं होता, स्टेपल क्रॉप्स कैन बी योर गिफिन गुड. जो जिनका प्राइस इज़ वेरी लो तो उनको हम लोग क्या है, हमारे पास एक्स और वाई, हम लोग दो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं. तो जब हमारा स्टेपल गुड जो है जिसका प्राइस बहुत कम है विच इज़ अ गिफिन गुड, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग उसी को और खाते हैं, दूसरे गुड को हम लोग सब्सटीट्यूट मतलब दूसरे गुड को और ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते तो उसी को और ज़्यादा खाएंगे. ठीक है, वैसा होता है. सॉल्ट इज़ नॉट अ गिफिन गुड अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव टू चेक, बट आई डोंट थिंक सॉल्ट कैन बी अ गिफिन गुड. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आई विल मेक अ न्यू कर्व कुछ ऐसा पैरेलली. ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक अ लिटिल बेटर, थोड़ा कर्व बने. तुम लोग कंपाइलर में देखो काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है. Something which is parallel to B2 and then you are getting a point again. Suppose आपको यहाँ पर point मिल रहा है, मैंने IC curve actually थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया है, but if I make a better IC curve, एक मिनट रुक जाओ. So मुझे IC कुछ ऐसा बनाने दो. Okay, now it's good. तो यहाँ पर there is an intersection. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जी QX1 QX2, दिस इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. आप कुछ तो सब्सटीट्यूट करोगे वाई को, देर विल बी वेरी स्मॉल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विच विल हैपन. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैन नेवर बी पॉजिटिव, इट ऑल्सो इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव. यानी कि अगर आपका इस केस में देखो प्राइस ऑफ एक्स आपका भर रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, आई एम सो सॉरी आई डोंट थिंक वाई, आई डोंट नो वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली आज. तो फिर ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये कम हो रहा है, यानी कि आपका नेगेटिव इफेक्ट है. इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो सेम चीज़, क्योंकि ये इन्फीरियर है, आपका गुड एक्स बढ़ेगा बिकॉज योर रियल इनकम विल फॉल, तो आपका गुड एक्स बढ़ेगा. अगेन दिस विल बी पॉजिटिव, बट इसका जो वेटेज है विल बी हायर देन इसका वेटेज, योर सब्सटीट्यूशन. तो यहाँ पे हमें एक नया पॉइंट मिल रहा है एट दिस पॉइंट, पॉइंट एच विच इज़ टूवर्ड्स द राइट, QX3. तो QX2 से QX3 is entirely your income effect. QX2 to QX3 is your income effect, which is higher than the substitution effect in case of Giffen good. Dono mein there is a positive effect of income in case of inferior, in case of Giffen positive. Dono mein bhar hai. अगर प्राइस बढ़े दोनों में बढ़े, बिकॉज ऑब्वियसली इनकम इफेक्ट है दोनों में. गिफिन इज अगेन अ इन्फीरियर गुड, तो दोनों में बढ़ेगा. मैंने क्या बोला, गिफिन इज अ पार्ट ऑफ अ इन्फीरियर गुड विच इज़ अ वेरी 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 इन्फीरियर गुड बोलते हैं. तो यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट है, आपका प्राइस बढ़े तो आपका क्वान्टिटी ऑफ एक्स भी बढ़े, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. सेम हैपन्स यहाँ पे, बट यहाँ पे इनकम इफेक्ट का वेट इज हायर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, एंड रिजल्ट ये हो रहा है, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है योर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन केस ऑफ गिफिन गुड. ये चीज क्लियर है या नहीं है बोलो, ये चीज क्लियर है या नहीं है.
इन केस ऑफ नॉर्मल, जब हम लोग नॉर्मल गुड बोलते हैं तो प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी फॉल्स, इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी फॉल्स, तो प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हुआ अकॉर्डिंग टू बोथ। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, इन केस ऑफ इन्फीरियर, इसीलिए देखो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कम नेगेटिव है तो क्वांटिटी कम हो रहा है, बट इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग योर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि रियल इनकम कम हो रहा है बट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द रियल इनकम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टिल द इनकम इफेक्ट इज स्मॉलर दैन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इज़ माई वॉइस ऑडिबल? आई थिंक कुछ कनेक्शन इशू हो गया था बीच में। एक बार येस नो बोलो प्लीज़, मेरा वॉइस ऑडिबल है क्या? ओके ओके, आई थिंक बीच में देर वॉज अ कनेक्शन इशू और समथिंग विच हैपन्ड। ठीक है, तो मैं बोल रही थी कि इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड व्हेन योर प्राइस इंक्रीजेज बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्वांटिटी कम होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड अगेन प्राइस इंक्रीजेज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का वेटेज इज मोर तो क्वांटिटी कम होता है। इन केस ऑफ गिफ्ट एंड गुड व्हाट हैपेंस कि प्राइस बढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज अगेन नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, यानी कि क्वांटिटी बढ़ेगा, बट द इंक्रीज इन क्वांटिटी या फिर इनकम इफेक्ट इज मोर दैन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हेंस योर क्वांटिटी, द एंड रिजल्ट इज दैट योर क्वांटिटी इंक्रीजेस। क्लियर है ये चीज़ पूरा? ये पूरा दिस इज योर प्राइस कंजम्पशन, मैंने दिखाया प्राइस कंजम्पशन लाइन, इनकम कंजम्पशन लाइन, चेंजेस इन बजट लाइन एंड आईसी कर्व। ये पूरा चीज़ क्लियर है हाँ या ना? एक बार यस या नो बोल दो। ओके, समेधा ने हाँ लिख दिया है। बाकी सब ओके, सो लास्ट एक छोटा सा, जो हमने किया पूरा आईसी कर्व, हमने क्या क्या निकाला, हमने डिमांड कर्व निकाला, हमने वन कमोडिटी वर्ल्ड टू कमोडिटी वर्ल्ड में ऑप्टिमम कंजम्पशन देखा, हमने बजट लाइन के साथ ऑप्टिमम कंजम्पशन देखा, हमने इनकम कंजम्पशन कर्व निकाला, प्राइस कंजम्पशन कर्व निकाला विदाउट इवन मेजरिंग द यूटिलिटी, विदाउट इवन मेजरिंग यूटिलिटी, जो हम लोग इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स कर रहे थे अगर याद है, विदाउट इवन डूइंग दैट हमने आई सी कर्व को यूज़ करके सब कुछ किया। ठीक है, वॉट आर द डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ आई सी कर्व विच वी कैन फेस? पहला, सबसे पहला इज कंज्यूमर में नॉट ऑलवेज बी रैशनल, कंज्यूमर हमेशा रैशनली नहीं सोचता।
ठीक है. दूसरा अगेन इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस रैंकिंग्स. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, रैंक कर रहे थे ना डिफरेंट कंजम्पशन. सपोज मैंने बोला कि 4.3 एक्स और वाई है, 5.2, तो एक भर तो इसको हम लोग रैंक कैसे करेंगे और एक आईसी कर्व में कैसे डालेंगे. इट इज़ डिफिकल्ट टू रैंक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड पुट इट इन वन आईसी कर्व. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बोल सकते हैं इट इज़ समटाइम्स इम्पॉसिबल टू डिराइव आईसी कर्व्स. ठीक है, और आईसी कर्व इट कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू सर्टन रीजंस. आपका यूटिलिटी चेंज हो सकता है ड्यू टू एडवर्टाइजिंग, ड्यू टू बोल सकते हैं पीयर प्रेशर. तो इन सब के वजह से योर यूटिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, सो योर आईसी कर्व्स कीप्स ऑन चेंजिंग. इट विल नॉट रिमेन द सेम ऑलवेज. ठीक है, एंड देन इट इज़ इट डज नॉट वर्क फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म. कॉस्ट में भी अभी लग गया बट उसका बेनिफिट इज़ लॉन्ग टर्म. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बेनिफिट और इसका, हम लोग इसको अभी जस्ट आफ्टर लाइक लेट अस टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका अराउंड आई विल टीच फॉर 20 मिनट्स एंड देन वी कैन एंड द क्लास. तो बेसिकली व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आईसी कर्व, इफ अ क्वेश्चन कम्स तो आप लोग क्या लिखोगे, पहला तो कस्टमर मे नॉट ऑलवेज थिंक रैशनली, दूसरा इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डिराइव एनी काइंड ऑफ आईसी कर्व, तीसरा योर आईसी कर्व्स आर योर यूटिलिटी इज जनरली अफेक्टेड बाई ड्यू सर्टन रीजन्स लाइक एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन. तो ये सारा चीज़ है. अब हम लोग पैशन का ब्रेक लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट विद डिमांड अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनटी. तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, जस्ट में करेंगे क्योंकि इसका मेजर पोर्शन इज देयर इन योर CM2. यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ इंक्लूडेड, सो वी कैन डू, बट आई डोंट थिंक क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. इससे आते हैं बट बहुत कम आते हैं बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अगेन CM2. तो इसको करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. इट विल टेक मी 15-20 मिनट्स टू कम्प्लीट दिस नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड कम बैक एट 11:40 एग्जैक्ट. ठीक है, 11:40 एग्जैक्ट पे आ जाना.
चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ड्यूरेबल गुड्स, उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी, हमने एक चीज़ डिस्कस किया था पहले भी, आपको कभी भी ये नहीं पता होता कि पहले पहले से आपको ये नहीं पता होता कि आपका टोटल कॉस्ट एंड टोटल बेनिफिट कितना लगेगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिया है, वी परचेज अ लैपटॉप वर्थ ऑफ ₹45,000। नाउ लेट अस सपोज आफ्टर 6 months वो लैपटॉप में कुछ ख़राब हुआ एंड फॉर रिपेयर्स आपका एक्स्ट्रा ₹10,000 लग गया, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना लगा अभी तक का? 55,000। एंड आपको जितना भी बेनिफिट उसे डिराइव हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, तो टोटल कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट का है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई दैट अर्लियर एट द स्टार्ट। जब आप खरीद रहे हो लैपटॉप, तब आप नहीं बता पाओगे कि आपका कितना टोटल कॉस्ट लगेगा उस पर्टिकुलर आइटम का। पहले से आप नहीं बता पाओगे, पहले से आप नहीं उसको कंफर्म कर पाओगे। सो इट टेक्स टाइम, एंड तो इसीलिए आप उसका यूटिलिटी भी पहले से नहीं बता सकते हो कि आपको कितना मिलेगा। क्लियर? तो हम लोग कुछ यहाँ पे डील करते हैं विद टर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। होता क्या है देखो, तीन चार टर्म्स समझेंगे सबसे पहले, ठीक है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इफ आई से एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, डेफिनेशन पे मत जाना पहले। अभी आपके पास ₹105 है, ठीक है? आपको एक गैम्बल खेलने बोला है जिसके लिए आपको ₹5 देना पड़ेगा, ठीक है? लॉटरी टिकट है विच विल कॉस्ट यू ₹5। तो आपके पास कितना बचेगा फिर? 100 बचेगा। उसमें दो चांस है, अगर आप जीतोगे तो आपको ₹50 मिलेगा, यानी कि आपके पास बचेगा 150। -5 इज़ फॉर द लॉटरी, 50 इज़ फॉर विनिंग। कुछ भी नहीं जीतोगे तो ऑब्वियसली 100 बचेगा, ठीक है? कुछ भी नहीं, नथिंग, लूज। चांसेस ऑफ विनिंग इज ओनली 10% एंड चांसेस ऑफ लूजिंग इज 90%। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल मतलब अगर आप गैम्बल लोगे, इफ यू टेक द गैम्बल, देन वॉट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी विच यू हैव, एंड वॉट इज एक्सपेक्टेड एवरेज? एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एवरेज, एंड एवरेज एग्जैक्टली नॉट एवरेज बट समथिंग विच इज नॉट सर्टन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है देर इज अ चांस ऑफ 10% एंड 90%। 10% चांस ऑफ विनिंग, 90% चांस ऑफ लूजिंग, ये दोनों चांस है अलग अलग, ठीक है? जीतोगे तो 150 कमाओगे, हारोगे तो 100 कमाओगे, मतलब 100 पे ही रहोगे। सो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल? इट विल बी 150 जीतने का, आफ्टर विनिंग इतना आपके पास बचेगा, एंड इसका प्रोबेबिलिटी इज 10% प्लस 100, एंड इसका प्रोबेबिलिटी इज 90%। क्लियर है ये चीज़? तो आपके पास फाइनली कितना बचा? 100, एंड इसका आंसर क्या आया? 105, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल। अगर आप गैम्बल खेलोगे तो आपके पास या तो 150 बचेगा एंड में, या तो ₹100 बचेगा एंड में। 150 बचने का प्रोबेबिलिटी इज 10%, 100 बचने का प्रोबेबिलिटी इज 90%। ₹5 कहाँ गया? गैम्बल खेलने का प्राइस यू आर पेइंग। सपोज आपको एक लॉटरी टिकट खरीदना है तो लॉटरी टिकट का प्राइस इज योर ₹5 विच यू आर पेइंग। क्लियर है? तो अब मैं पूछूं, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉट टेकिंग द गैम्बल, ऑफ नो गैम्बल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉट टेकिंग एनी गैम्बल, ये क्या होगा? ये क्या होगा बताओ सोच के, तुम लोग देखना मत कंपाइलर में, ये क्या होगा? ऑफ नॉट टेकिंग एनी गैम्बल, अगर गैम्बल मैंने खेला ही नहीं तो जितना मेरे पास है उतना ही रहेगा,
105 जितना मेरे पास पहले है रुपीस के टर्म्स में लिखो उतना ही रहेगा, यस या नो? 105, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ से हम लोग तीन चार कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला इज रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल कौन होता है? रिस्क न्यूट्रल वो लोग होते हैं जिनको जिनके लिए अगर हम लोग बोलें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नो गैम्बल इफ इज इक्वल, अगर ये दोनों नो गैम्बल इक्वल है तो ये दोनों इनडिफरेंट रहेंगे। ऐसे लोग इनडिफरेंट रहेंगे बिटवीन द टू, या तो वो गैम्बल ले भी सकते हैं या तो वो नहीं भी ले सकते, दोनों के बीच में वो इनडिफरेंट रहेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू, दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आ रहा है। दीज पीपल विल बी इनडिफरेंट एंड इन लोग क्या चूज़ करेंगे? इन लोग वो गैम्बल चूज़ करेंगे जिसका इन जिससे इनको एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा मिल रहा हो। तो दो गैम्बल है, 1 एंड 2। फर्स्ट गैम्बल में इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू 110 आ रहा है, इसमें 105 आ रहा है, तो इन लोग इसको चूज़ करेंगे। द ऑप्शन विद द हाइएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज वॉट दे विल चूज। इस केस में इक्वल है तो इन लोग कुछ भी नहीं करेंगे, या तो इन लोग गैम्बल ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, इनडिफरेंट चॉइस। दिस इज़ योर रिस्क न्यूट्रल। वॉट इज़ योर रिस्क अवर्स? वॉट इज़ योर रिस्क अवर्स? रिस्क अवर्स इज इफ़ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल इज मोर दैन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नो गैम्बल, देन ओनली आई विल गो विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू, आई विल गो विद द गैम्बल, ओनली देन आई विल गो विद द गैम्बल। इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों सेम है, दे विल नॉट गो विद द गैम्बल, दे विल नॉट टेक अप द गैम्बल। इस केस में इन लोग गैम्बल नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे गैम्बल? क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। क्लियर? अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल ज़्यादा होता तभी इन लोग उसको एक्सेप्ट करते गैम्बल को। इस केस में इक्वल है, दीज पीपल आर रिस्क अवर्स, इनको रिस्क से प्यार नहीं है, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अप रिस्क, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अप द रिस्क। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल इज सेम एज नॉट टेकिंग अप द गैम्बल, इन लोग कभी नहीं जाएंगे। पर अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल ज़्यादा है तभी जाएंगे, पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि जाएंगे। इट विल डिपेंड कितना ज़्यादा दे आर रिस्क अवर्स। जितना ज़्यादा रिस्क अवर्स उतना ज़्यादा आई विल वॉन्ट दिस टू बी हायर दैन दिस। ज़्यादा मुझे अगर रिटर्न दिखेगा तभी मैं रिस्क लूँगी, अदरवाइज मैं नहीं लूँगी रिस्क। क्लियर? रिस्क लविंग, रिस्क लविंग, प्यार है मेरे को रिस्क से। तो इस केस में क्या होता है? इवन इफ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल इज लेस दैन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉट टेकिंग द गैम्बल, आई कैन स्टिल टेक अप द गैम्बल क्योंकि मेरे को प्यार है रिस्क से। इस केस में दोनों इक्वल है, आई विल श्योरली टेक अप द गैम्बल, श्योरली टेक अप द गैम्बल। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इट विल डिपेंड, इन डिफरेंट है, पर यहाँ पे आई विल श्योरली टेक अप द गैम्बल क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल कम भी होता तो भी रिस्क लविंग पीपल कैन टेक अप द गैम्बल, बट यहाँ पे तो इक्वल है तो डेफिनेटली दे विल टेक अप द गैम्बल। ठीक है, एक और वर्ड होता है विच इज कॉल्ड योर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, व्हाट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट? इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल आ रहा है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मनी टर्म्स में क्या है विच इज सर्टेन? 105, 105 है यहाँ पे।
तो दिस इज योर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ नो गैम्बल, सर्टेन समथिंग विच इज सर्टेन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉट टेकिंग द गैम्बल 105. बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. वॉट इज योर रिस्क प्रीमियम, वॉट इज योर रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम इज, रिस्क प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल माइनस योर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. इसको सी ई लिख देते हैं एक बार. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मैंने क्या बोला, क्या है? इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट विच इज डिजायरेबल एज सेम एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर गैम्बल एंड विच इज सर्टेन, एंड विच इज सर्टेन. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 105 इंटू वन करेंगे. क्यों इंटू वन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो हम गैम्बल खरीदेंगे ही नहीं. अगर आप गैम्बल खरीदोगे ही नहीं तो आपका मनी हमेशा 105 ही रहेगा. इंटू वन प्रोबेबिलिटी हमेशा उसका 105 रहेगा, वन उसका प्रोबेबिलिटी है. रिस्क प्रीमियम क्या हुआ? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल माइनस द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. तो इस केस में अगर आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट लेस होता आपके, या फिर मैं बोलती हूँ मोर होता आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल से, तो इस केस में आपका रिस्क प्रीमियम नेगेटिव होता, होता कि नहीं? अगर ये ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा. और इसका नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना ये चीज़. रिस्क प्रीमियम क्या है? अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो, अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए. दैट इज़ योर रिस्क प्रीमियम. इफ़ यू आर टेकिंग अप द रिस्क देन यू शुड गेट सर्टन रिवॉर्ड आउट ऑफ इट. इफ़ इट इज़ नेगेटिव, इफ़ रिस्क प्रीमियम इज़ नेगेटिव, यानी कि आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है बाई टेकिंग द रिस्क, तो आप क्यों लोगे वो रिस्क? अगर आप रिस्क अवर्स हो आप क्यों लोगे वो रिस्क? अगर आप रिस्क लविंग हो तो आप ले सकते हो, तो आप ले सकते हो. बट अगर आप रिस्क अवर्स हो, आपको रिस्क से डर लगता है और आपका रिस्क प्रीमियम नेगेटिव है, यानी कि अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपका ज़रूरी नहीं कि आपको रिवॉर्ड मिले, तो आप क्यों लोगे वो रिस्क? एंड वॉट इज़ योर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट? इट इज़ द अमाउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल एंड विच इज़ सर्टेन. तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे ये आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है. बोथ आर इक्वल, इसीलिए मेरा रिस्क प्रीमियम ज़ीरो आ रहा है. इन दिस केस अगर ज़ीरो आ रहा है तो मतलब कि जो रिस्क कवर्स होगा वो कभी नहीं ये वाला गैम्बल लेगा. रिस्क न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रहेगा दोनों चीज़ के बीच में. एंड रिस्क लविंग जो होगा वो डेफिनेटली ये गैम्बल खरीदेगा. क्यों? क्योंकि इसमें इसका रिस्क प्रीमियम ज़ीरो है और ये दोनों इक्वल है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो रिस्क लविंग है, वो रिस्क लेगा. क्लियर? जनरली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स एज एन MCQ. बहुत रेयरली मैंने ये क्वेश्चन CB2 में देखा है, क्योंकि ये अगेन दिस कम्स इन टू CM2 CET 8 वाला पेपर में आता है ये पूरा चीज़ के ऊपर, पूरा उसमें सम्स एंड ऑल भी रहते हैं. यहाँ पे जस्ट मैंने इसको समझाया है टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट अगेन इसको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इसका चांस थोड़ा कम ही रहेगा टू गेट इन योर एग्जाम्स. ठीक है, अब जो एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगी, मैं आज नहीं करा रही हूँ बिकॉज इट विल टेक मी सम टाइम टू डू दैट. तो वी विल ट्राई टू फिनिश अप दिस चैप्टर इन आर नेक्स्ट क्लास बिकॉज काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो हम लोग ट्राई करेंगे टू फिनिश दिस इन आर चैप्टर 5 इन आर नेक्स्ट कमिंग क्लास. कोई दिक्कत है यहाँ पे पूछ लो. ये वाला लास्ट टॉपिक एक बार वापस से रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि इसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी से हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे एंड इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, यस या नो एक बार लिखो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो.
ये लास्ट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल फिनिश अप चैप्टर, दिस इज़ योर चैप्टर 6 और चैप्टर 5 आई गेस, तो इसको हम लोग ख़त्म करेंगे एंड वी कैन स्टार्ट विथ चैप्टर 6, ठीक है? ओके. बाय. इसको रिवाइज करते रहना सो दैट वी कैन टेक अप इट इन द नेक्स्ट क्लास.